हमें लगाना ही नहीं चाहिए। हाथ तो दिखाओ अपने। मुझे ऐसे ही बिठा के रखा है, मतलब मुझे बैठना पड़ा। बहुत सुंदर है देखो। और बहुत सालों बाद मैंने लगाए हैं मेहंदी, वो भी जबरदस्ती उन्होंने लगवाए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो अच्छा लग रहा है, जब हट जाएगा तब थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है, लेकिन अभी एंजॉय करते हैं। मेरा भी तो है ना, 1 वीक एंजॉय। तेरा होने दे। तो इसका रंग कल आएगा, कल आपके साथ मिलूंगी। कल षोष्ठी है। हैप्पी पूजो, हैप्पी पंचमी, अच्छे से शुभ पंचमी, शुभ पंचमी। तो आज से शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं, बस कल कलर आएगा, कल आपके साथ मिलूंगी, ठीक है? हाँ। गुड मॉर्निंग, शुभ षष्ठी हमारे सकल बंधुदेर, शुभ दुर्गा पूजो। आज षष्ठी है, नवरात्रि का आज छठवा दिन है, आज षष्ठी है, आज से एकदम हम लोग पूजा। ओ हाँ, ये मेरा मेहंदी देख लो, ऐसा कलर आया है। धीरे धीरे और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो ये था डिज़ाइन, और इस हाथ का है ये, इस हाथ का ऐसा, ये वाला डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद आया है, सी है ना। चलो आज सुबह एकदम बहुत जल्दी जल्दी उठ गई थी, उठ के मैंने चंडी पाठ सुन लिया। चंडी पाठ एक ऐसा, आपको तो पता है, स्तोत्र है, महालय एक बार और सुना, अच्छा लगता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। एकदम मन, एकदम जैसे लगता है गंगा नहा लिया, मन एकदम शुद्ध हो गया, पूरा एकदम शीतल हो गया, ऐसा कुछ लगता है। षष्ठी का दिन कुछ इस तरह से शुरू किया है मैंने। सुबह से उठ के देखा, इतनी जल्दी जल्दी उठ गई तो खाना वाना भी बना लिया। आज एकदम वेज रेसिपी है, बहुत सारा बना लिया। एक्चुअली सब्जी का जो बास्केट है उसको भी खाली करना था, जो जो सब्जी जहां जहां पे था सब लेके कुछ ना कुछ मैंने बना डाला आज, क्योंकि कल से खाऊंगी, एकदम मंडप में जाऊंगी, मंडप में रहूंगी, खाना बना बनाने का कुछ कल से कुछ नहीं है, बस इसलिए मैंने पूरा खाली कर दिया। वैसे अच्छा लग रहा है सुबह उठ के ये थोड़ा सा कलर। रात तक बैठी रही थी, खाना बना ऐसे स्पून से खाई, ये दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो चलो दिन की शुरुआत करती हूँ। आज थोड़ा सा बिजी हूँ, आज थोड़ा डिसाइड करना है कब क्या पहनूंगी ये सब। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ है, लंच टाइम में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ की पूजा कम्प्लीट, अभी ना ऐसे दरवाजे पे हल्दी कुमकुम लगाऊंगी, लगाना होता है षष्ठी के दिन। देखो मेरा गणपति जी भी एकदम सुंदर चमक रहे हैं। कल वो सॉल्यूशन लगाया था ना, उससे नहीं हुआ था, उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा पीताम्बरी से घिसना पड़ा। चलो अब सब जगह पे हल्दी कुमकुम लगा देती हूँ। तो आज इवनिंग में एक छोटा सा इवेंट है, इवेंट नहीं बोल सकती एक्चुअली, आज माँ दुर्गा आ रही है ना मंडप में, तो संध्या आरती मतलब ऐसे बोधन होता है, दुर्गा की बोधन होगी। बोधन के बाद फिर हम लोग एक गेट टुगेदर करते हैं, मतलब फूड स्टॉल लगाते हैं, जिनको मर्जी है वो लगाते हैं छोटा मोटा। तो आज मेरा मन है कि मैं आज कुछ बना के लेके जाऊँ। पहले करती थी लेकिन 2 साल कोविड के दौरान ये सब नहीं था, बंद था। तो इस साल फिर से शुरू हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं फिर से एक छोटा सा स्टॉल लगाऊंगी। तो किस चीज़ का लगाऊंगी वो तो बस एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। मैं लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था ना कि मैं आलू चॉप बना रही हूँ, उसका एक स्पेशल रीज़न है। तो रीज़न यही है कि मैं एक्चुअली, वो डेमो था, मैं एक्चुअली इधर स्टॉल देने वाली हूँ, तो आज उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। आलू को बॉयल करके रखा है जस्ट, तो अभी बनाऊंगी झपाझप आलू चॉप। नहीं अभी नहीं बनाऊंगी, मैं अभी रेडी करके सब रख रही हूँ, फिर लंच वंच करेंगे, फिर उसके बाद जब जाना होगा फिर एकदम पहले पहले करूँगी, क्योंकि ये गर्मा गर्म अच्छा लगता है, पता नहीं वहाँ पे कितना गर्म रहेगा कितना नहीं। मन है तो बना के लेके जाती हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। वैसे घर पे तो सबके लिए बनाती हूँ, आज बाहर लेके जा रही हूँ, सबको कैसा लगेगा पता नहीं, ये भी सोच रही हूँ साथ साथ, थोड़ा सा टेंशन भी हो रही है, लेकिन हाँ एंड में जो मज़ा मिलता है ना, जो अच्छा लगता है ना, उसके लिए मैंने बनाया है। बाकी सबको कैसा लगेगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है आज का हमारा लंच मेनू, यहाँ पे है पालक का साग, यहाँ पे है बनाना स्टेम, ये बनाया है, और इधर है अरहर का दाल, इधर है आलू पोस्तो जो बहुत ही टेस्टी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है,
तो ये है पापड़। यहाँ पे एक मिक्स वेज रात के लिए बना के रखा था, ये आनू ने आके इधर से थोड़ा उठा के खा लिया। नहीं, मैंने ये उठाया था। मुझे पता है तूने क्या किया क्या नहीं किया। नहीं खाया, अगर डांस में मत कर अभी। क्या ले बाबू? अच्छा तो ये बनाना स्टेम थोड़ा सा बचा हुआ है, हम कर लेते हैं लंच। और उधर प्रिपरेशन आधा छोड़ के मैं जा रही हूँ लंच करने, फिर आके बाकी का काम करूंगी। क्या करिए पता है? गिरेगा ना एक, मैं तेरे ऊपर गिराऊंगी सब। आइसक्रीम खाने की तैयारी चल रही है। आइसक्रीम उसका हो गया ना लंच, अभी आइसक्रीम खाएगी। इधर देखो जुगाड़ आलू चॉप का। बाहर कितना तूफान और बारिश शुरू हो गई है, देखो सोचो। एकदम देख देख के दुर्गा पूजा के टाइम पे ऐसी बारिश हो गई, कितना कुछ सोचा था मैंने। आधा तो बना भी लिया है, पता नहीं क्या होगा। मम्मा मुझे थोड़ा सा नहीं, तू बनाएगी करके। ये देखो दुर्गा पूजा का पूरा सूची, मतलब निर्घंटो हम बोलते हैं। ये रही माँ दुर्गा की फोटो, ये है दुर्गा पूजा वाली सूची। आप देख सकते हो कैसा कैसा टाइमिंग है, क्या है। लाइक आज षष्ठी है ना, तो 7:30 ऐसे पूजा है, कल्परम्भ पूजा। 7:45 देवी का बोधन है, अमरथन है एंड अधिवास। देन 8:30 आनंदमेला एंड निर्भजल अड्डा, मीन्स ऐसा गेट टुगेदर करते हैं उसी टाइम पे। ऐसे मतलब ये सब जो मैं बना रही हूँ ना, ऐसा छोटा मोटा स्नैक्स का छोटा छोटा स्टॉल बैठता है। जैसे कि आज ये सब बाहर बारिश बारिश देख के मैंने थोड़ा कम ही बना लिया, कोई बात नहीं, ये मज़ा आएगा। इसलिए सब रेडी करके मैंने फ्रिज में जस्ट रखा है, अभी लेट के ये सब देखती हूँ। बाय द वे इतना काम करना पड़ रहा है ना, मतलब पानी का काम, पानी वाला, तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। कल ही लगाई, टिकेगा नहीं। तो मेरी हालत कुछ इस तरह से है, कुछ सजा वजा नहीं है। इधर साड़ी की सारी साड़ियाँ है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मुझे आज डिसाइड करना है कौन सा साड़ी किस दिन पहनूंगी। दो दो बहुत बिजी हूँ। पौने 8 बज गए हैं, 8:30 बजे से वो है पता नहीं मुझे का। एक्चुअली दो दो कढ़ाइया मैंने शुरू कर दिया है, आप देख लो उधर बन चुका है। वो दिखा बन बना चला देख। अभी बस अभी मैं रेडी भी नहीं हूँ, कैसे रहेगा ये सोच सोच के मैंने बनाया नहीं अभी तक। ठीक है आ जाओ, इंतज़ार ख़त्म। 1 साल बाद कानों में ढाके आवाज़ ऐसे घुल रहा है ना, आपको मैं क्या बताऊँ। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा एक फील हो रहा है, मैं आपको समझा नहीं सकती। वैसे आज षष्ठी है, इससे ज़्यादा मुझे यही चिंता लगी रही कि आज मैं स्टॉल लगाऊंगी, पता नहीं सबको कैसा लगेगा। टेंशन हो रहा था, एकदम गुड़गुड़ गुड़गुड़ चल रहा है अंदर। लेकिन हाँ, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक की जगह लोगों ने 3-4 बार आके लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में ना एंड में लग रहा था और भी ज़्यादा बनाती तो कितना अच्छा होता। ये देखो मेरा आलू चॉप वाला स्टॉल, यहाँ पे चेयर टेबल दूसरे टाइम पे लगाया जाता है, लेकिन इस बार किसी को टाइम नहीं मिला तो ऐसे ही चेयर के ऊपर ही हमने स्टॉल लगा दिया। छोटा सा पूजा है हमारा, कम लोग ही आते हैं, और षष्ठी के दिन नाइट में तो थोड़ा कम ही आते हैं, क्योंकि आज तो वैसे भी वेदर ख़राब था और लोग सोचते हैं सप्तमी से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको भी इनविटेशन है, आप ज़रूर आना अगर बैंगलोर में रहते हो, सीतारामा कल्याणा मंडपा बनसवाड़ी, शायद मैं भी मिल जाऊँ यहाँ पे। तो चलो
मैं स्टॉल संभाल लेती हूँ, ये जो मुझसे बिल्कुल नहीं होता ये सेल विल, वो तो बोलते हैं तुमसे होगा भी नहीं, लेकिन हाँ मज़ा आया बहुत, सबके साथ एक बार और मिलना जुलना हो जाता है, इन सबको मैं पहचानती हूँ ना, तो चलो सबके साथ मिलके थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं, आपसे कुछ देर बाद मिलती हूँ। मेरा दुकान बंद हो गया, सबका खाना पीना कंप्लीट, बहुत पहले ही हो गया था, फिर उसके बाद मैं दूसरे भाभियों का ट्राई कर रही थी, तो अभी जस्ट हाथ हाथ धो के अभी जाऊंगी ऊपर फिर से, फिर घर जाके आपसे बात करती हूँ। अरे आहनु का पूरा ड्रेस तो मैंने आपको दिखाया नहीं, ये उसकी आंटी ने उसको दिया है, डोडो की मम्मी ने, श्रेष्ठा आंटी ने, वो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है, बिना ट्रायल किए अच्छे से फिट भी आ गया। घर आ गई हूँ वापस, एकदम बैक टू होम। उधर जो कटोरी आप देख रहे हो ना, वो एक्चुअली उन्होंने खरीदा था, छोटा छोटा था इसलिए बाद में बड़ा बड़ा लेके आए हैं। वैसे आ गई हूँ घर, अभी बजा है 10, सो पता नहीं क्या खाएंगे क्या खा पाएंगे, बाकी कुकिंग तो सब करके गई थी, तो आज का दिन कुछ ऐसे ही स्पेंड हुआ, मस्ती हुआ, अच्छा लगा। हाँ ये सब बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है ना, पूजा है, तो घर में बिजी रहने को मन नहीं करता, तो कल से एंजॉय करेंगे पूजा, आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो, तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी षोष्ठी।